हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। इंडिया में हर चीज की एक कहानी है, या हर साइंटिफिक चीज में अपनी एक थ्योरी है, अपने बिलीव्स है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसेशंस होते हैं, जैसे कि सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट और भी बहुत कुछ। लेकिन हम इंडियंस ने सभी को एक अलग कहानी दे दी है, जैसे कि आंखों का फड़कना। इंडिया में माएं और दादी माँ कहती हैं कि आंखों का फड़कना मतलब कि कुछ अशुभ या फिर शुभ होने वाला है। मगर क्या वाकई ऐसा होता है? चलिए कहानियों से निकलकर आज आपको असली फैक्ट बताते हैं, आंखों के फड़कने की असली कहानी सुनाते हैं। जी हाँ, पहली बात तो आंखें कभी नहीं फड़कती, फड़कती हैं तो हमारी पलकें। जी हाँ, पलकों का फड़कना अशुभ या शुभ नहीं होता है, इसका अपना एक साइंटिफिक रीजन होता है, इसे मायोकीमिया कहते हैं। आंखों का फड़कना एक ऐसा एक्शन है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जी हाँ, साइंस की भाषा में समझाएं तो अब आंखों की मांसपेशियां, यानी कि जब भी हमारी आंखों की मांसपेशियां सुकड़ने लगती हैं तब ये फड़कने लगती हैं। इसके कई आम रीजन होते हैं, जैसे कि ज्यादातर मामलों में स्ट्रेस, आई स्ट्रेन, नींद की कमी और अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन इसकी वजह बन जाता है और आंखें फड़कने लगती हैं। इसके अलावा ज्यादा कैफीन, चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स और या फिर ज्यादा चॉकलेट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। यानी कि देखा जाए तो आपके आंखों के फड़कने के पीछे शुभ या अशुभ खेल नहीं बल्कि साइंस का लोचा है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें ना फड़के या फिर फड़क रही है तो आपको क्या करना चाहिए, तो चलिए वो भी बता देते हैं। अगर आपकी आंख फड़क रही है तो उसे आराम दें, वॉक पर जाएं, एक्सरसाइज करें, खुद को दोस्तों या परिवार के बीच बिजी करें और समय मिले तो अच्छी नींद जरूर लें, जिससे आपके आंखों का फड़कना कम हो सकता है या फिर बंद हो सकता है। इस दौरान मोबाइल या टीवी चलाने से भी बचें। अगर आपको लंबा समय कंप्यूटर के सामने बिताना पड़ता है तो आपको डॉक्टर की सलाह से कोई लुब्रिकेंट आई ड्रॉप का इस्तेमाल भी करना चाहिए। कुछ रेयर मामलों में पलके फड़कने या फिर आंखों के फड़कने के चलते डॉक्टर इंजेक्शन भी लगाते हैं। इससे भी ज्यादा रेयर मामलों में ऑपरेशन भी किया जाता है, लेकिन ये सब कुछ काफी रेयर मामलों में होता है। इसमें आंख के आसपास की मांसपेशियों और नसों को कम कर दिया जाता है, यानी कि जब आंखों की नसें कम हो जाती हैं तो उसके बाद डॉक्टर्स इस पर इलाज करते हैं और आपकी आंखों का फड़कना बंद हो जाता है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि आंखों के फड़कने के पीछे आप जो कॉन्सेप्ट अभी तक सोचते थे और जो कहानियां आप जानते थे वो सब गलत है। ये सिर्फ एक साइंस का प्रोसेस है जो हमारी आंखों में होता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें फड़कती हैं।